मांगने का तो तौर जब बनता है, जब कोई सहारा नहीं आपके पास, आप कुछ कर नहीं सकते। ये थोड़ी है कि आप हाथ फैला दो सबके सामने, तो अब मान लो आप आज मदद करोगे तो कल कौन करेगा। जब तक अल्लाह ताला ने सांस दिए शरीर के अंदर, चलते रहना चाहिए। ये थोड़ी है अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा हाथ फैला लो, अल्लाह ताला ने कहा है जिंदगी जब तक है जब तक जियो। भाई मांगने का तो तौर जब बनता है, जब कोई सहारा नहीं आपके पास, आप कुछ कर नहीं सकते। ये थोड़ी है कि आप हाथ फैला दो सबके सामने, तो देने वाला तो वो है, इंसान कब तक देगा। अब मान लो आप आज मदद करोगे तो कल कौन करेगा। बहुत से तो भाई ठीक ठाक होके भी मांग रहे हैं, ठीक ठाक हाथ पे रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, जब भी मांग रहे हैं। कितने सालों से आपका मतलब ये पैर? मेरा तो शुरू से, जिस दिन से दुनिया में आया हूँ ऐसे ही हूँ, अल्लाह के शुक्र से। अल्लाह का शुक्र है अभी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना, तो हर हाल में करना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग से सही बनाया जो मैं इतना काम कर सकता हूँ, नहीं तो अल्लाह ताला, बहुत से ऐसे भी बंदे हैं कि उन्हें यही नहीं पता दुनिया में है या नहीं भी है। भाई दूसरे को देख के अपना दर्द कम हो जाता है। बहुत से बंदे ऐसे बेचारे चल ही नहीं सकते, पूरी जिंदगी खटिया पे गुजर जाती है। अभी देखो मैं इससे गुड़गांव में चला जाता हूँ, अभी जाता हूँ गुड़गांव में। इसी से जाते हो? इससे ही गुड़गांव में चला जाता हूँ मैं, अभी जाता हूँ। अच्छा, मतलब हाँ जी 60-70 किलोमीटर इसी से जाते हो? हाँ जी। कितना टाइम लगता है जाने में? भाई लगने को तो भाई जान देखो 4-5 घंटे लग जाते हैं, पर ये सवारी वाले रखते हैं तो 1500 रुपये मांगते हैं, 1500 रुपये अपना चल खाते पीते चले जाते हैं अपना। मेरी अम्मी भी यही बोलते हैं कि तू अपना अगर हौसला बुलंद रखेगा तो हमारे बाद भी चलता रहेगा। आज हम हैं, कल को हम ना रहे तो क्या होगा। भाई अब तो हम बिठा के खिला देंगे तुझे, 10-20 साल जब तक रहेंगे, अगर हम ना रहे तो क्या होगा। भाई कोई किसी का नहीं आज के टाइम में, मेरी अम्मी यही बोलती है मेरे से, हौसला देती रहती है। हाँ जी, तो बेटा आपने खुद वो यही बोलती है कि जब तक हम हैं जब तक तो हम खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो कमा मत कमा, पर आगे क्या होगा ये सोच। अच्छा मैं अगर आपको कुछ, हम एक छोटी सी कोशिश करें आपको कुछ सामान दिलाने की, या कुछ ऐसा कि तुम इस अपनी दुकान पर रख लो, कर सकते हो इसी में? इसी ये अच्छा आपके लिए। भाई भाईजान वो आपकी इच्छा है, देखो अगर हम दिला देंगे आप दे सकते हो ना? हाँ जी देख लेंगे, बेच लोगे? हाँ जी। अभी ये हमारे शमीम भाई हैं, ये मुर्गी के बच्चे बेचते हैं, छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और शमीम भाई हमें मिले थे और माशाल्लाह बहुत मेहनती इंसान है, और हमने शमीम भाई से बात की तो शमीम भाई ने बताया कि मैंने अपनी जो मजबूरी है इसको कभी सामने जाहिर नहीं किया लोगों के। मैं आपको कुछ सामान दिला रहा हूँ कुछ बेचने का, बच्चों की टॉफ़ी चिप और बहुत सारे सामान हैं। हाँ जी, कि कम से कम उससे आप बेच के अपना राशन गुजारा कर सकते हैं। हाँ, और उस पैसे को फिर बढ़ाना है आपको। ठीक है, क्योंकि मैं तो बार बार मदद नहीं करूँगा आपकी। हाँ जी, एक ही दफ़ा मदद करूँगा। हाँ जी, अब क्या करना है आपको, आप इस पैसे से आपको अपने काम को बढ़ाना है। हाँ जी, ठीक है ना, बेच लोगे ना? हाँ जी बेच लो, कोई परेशानी तो नहीं है? अल्लाह के नंबर से कोई परेशानी नहीं है। अभी हम इनको दिलाते हैं दुकान का कुछ सामान। शमीम भाई, अच्छा ये आपका ये रखने का, तो ये आपका हमने रख दिया सामान यहाँ पे। अब इसको आपको ईमानदारी से, रुक जाओ अभी, करो भाई। शमीम भाई ये आपका कट्टा दे लूँ? चलो दिलाते हैं, जब जाएंगे जब दिलाएंगे। ठीक है, ये आपकी हो गया सामान, और अभी अभी कुछ और सामान रहेगा आपका। ठीक है, शमीम भाई देखो इसमें बहुत सारा आपका पान मसाला वगैरह है जो आप बेच सकते हैं। ठीक है ना, और ये भी इसमें रखूँ? इसे ख़त्म नहीं करना है, इस सामान को बेचना है और सामान को करना है दुगना। ये आपकी दुकान होगी तैयार शमीम भाई। अगर आप मुझे कहीं मांगते हुए मिलते तो मैं आपको कभी ना दिलाता, जो हमने 8-10 हज़ार का आपको सामान दिलाया ये हम आपको कभी ना दिलाते। अब इस पैसे से, इस सामान से आप अपना घर का खर्चा चलाओ भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। बस कहने तो यही है भाई जान, अल्लाह ताला सबको ऐसी हिम्मत दे जी,
मतलब दिल कमजोर ना होना चाहिए, हाथ पैर कमजोर जरूर हो पर दिल कमजोर ना हो। हाँ बिल्कुल, देखो कितनी कितनी अच्छी बात कही शमीम ने कि हिम्मत से काम ले और भीख ना मांगे, और देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अगर हाथ फैलाना है तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाए भाई, उसके सामने फैला। इंसान तो एक दिन देगा, रोज थोड़ी देगा। हाँ। वो तो रोज देता है, सुबह उठने से पहले देता है। हमने छोटी सी कोशिश की है कि अपने शमीम भाई को एक छोटा सा एक कारोबार खुलवा के दिया है। कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं कह सकते आप इससे, 8-10 हज़ार रुपये कोई बड़ा कारोबार नहीं होता, लेकिन एक शुरुआती कारोबार होता है। हमने कोशिश की है कि अपने भाई को दिला दें इन पैसों से, हो सकता है इस पैसे के आप ये दुगने कर लें, तिगने कर लें, और अपना जो तरतीब है वो चलती रहे। आप भी देखिए, आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद के मुस्तहिक है, तो हमने इनको थोड़ा सा काम कराया, तो आप भी ऐसे लोगों की मदद कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यूं ही प्यार देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।